हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल, आई एम साहिल, यू वाचिंग साहिल आर्ट चैनल। तो गाइस यार, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टोम्स के ऑयल पेस्टल को गाइस। और गाइस बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा ऑयल पेस्टल सबसे ज़्यादा बेस्ट है गाइस, कौन सा ज़्यादा ऑयल पेस्टल अच्छा है। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी ऑयल पेस्टल अच्छा है, बट गाइस स्किल्स मैटर करता है कि आपका स्किल्स कैसा है, आपको ब्लेंडिंग करने आता है कि नहीं। तो गाइस ये सारा मैटर करता है ज़्यादा। तो गाइस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ डोम्स के ऑयल पेस्टल का रिव्यू मैं देने वाला हूँ बेसिकली। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये देख सकते हो आप टोम्स का ऑयल पेस्टल जो कि है 50 शेड्स वाला ऑयल पेस्टल। एंड गाइज आप देख सकते हो ये थोड़ा रैप है, और गाइज मैंने अभी बाय किया इसीलिए। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 200 का MRP है। तो गाइज यह आप मैं दुकान से ही लिया हूँ, इसी के कारण मुझे 190 पड़ा है। तो गाइज आप ऑनलाइन बाय करोगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा ले या फिर 200 ले। सो गाइज यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रैप को ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छी तरीके से रिव्यू कर सकें और ऑयल पेस्टल को बहुत अच्छी तरीके से देख सकें। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो रैप को मैंने खोल दिया हूँ, और गाइज़ आप यहाँ पर प्रॉपरली मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइज़ ये है 50 शेड्स का ऑयल पेस्टल। तो देख सकते हो आप कितने ज़्यादा है इसमें कलर्स। एंड गाइज ये देख सकते हो ये जो है प्लास्टिक के लेयर में है रखा हुआ आपका ऑयल पेस्टल्स। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हमारे साथ इसका मिलता है आपका स्क्रैचर। और गाइज ये थोड़ा बहुत ज़्यादा काम का ही होता है। और गाइज आप देखना मेरे लास्ट में, आपको पता चल जाएगा कि इसका वर्क क्या है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा इसके साथ मिला है हमें 1 वाटर कलर पेन इनसाइड। तो गाइज ये वाटर कलर का पेन है, यानी कि आप इसे ऑयल पेस्टल के ऊपर भी चला सकते हो, मे भी ऐसा होता होगा। तो गाइज मैंने इसे कभी भी ट्राई नहीं किया। तो गाइज ये एक तरीके से स्केच जैसा है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो है बहुत सारा कलर मिल जाता है 50 शेड्स के कलर ऑयल पेस्टल में। तो गाइज इसीलिए मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि आप भी ख़रीदो। तो गाइज बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपका ड्राॅइंग्स बनाना, तो आप देख सकते हो। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं इसे कि किस तरीके से हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे कैसे। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पर आपका कार्ट्रिज कोल्ड प्रेस पेपर ले आया हूँ। तो गाइज़ ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आपका जो है टेक्सचर थोड़ा रहे पेपर, और ऑयल पेस्टल के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो गाइज़ यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कलर करना। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर वायलेट कलर कर रहा हूँ। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कलर बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, इसीलिए मैं इसे लेता हूँ। और गाइज ये थोड़ा सा जल्दी ख़त्म होता है। इसके पेस्टल्स तो आप समझ सकते हो कि इसका बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा पतला रहता है इसका पेस्टल्स, और बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कैमल। कैमल का पेस्टल बहुत ज़्यादा मोटा होता है। एंड गाइज उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है। तो गाइज उसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग डोम्स के बात करते हैं। और गाइज अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा ब्लेंडिंग के बारे में भी। तो गाइज आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए। तो देख सकते हो गाइज बहुत ही ज़्यादा इजीली आपका टिश्यू पेपर से ब्लेंड हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर। सो गाइज इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि टिश्यू पेपर यूज़ करें अगर आप ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रहे हो अपने ड्राइंग्स में। सो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से हमारा डोम्स के ऑयल पेस्टल से ब्लेंडिंग हो गया, और गाइज बहुत इजीली मिक्सिंग भी हो गया। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि आर्टिस्ट को या फिर आपका बिगनर्स को टोम्स का ऑयल पेस्टल यूज़ करने का। और गाइज अगर आप स्टूडेंट हो तो गाइज इसके लिए एक अलग आपका 25 शेड्स वाला भी आता है ऑयल पेस्टल। तो गाइज इसमें आपका बहुत सारा कलर कम है, क्योंकि मैंने इसका कलर जो है पहले यूज़ कर लिया हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये है मेरा जो है पहले का ऑयल पेस्टल, जिससे कि मैंने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा कलर मिसिंग भी है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक जो है हमारा पूरा तरीके से ख़त्म हो गया है। एंड गाइज यहाँ पर वाइट आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया। तो गाइज इसमें थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो है पेस्टल बहुत ज़्यादा पतला रहता है। तो गाइज ये आप देख सकते हो ये है अभी का है
50 शेड्स का ऑयल पेस्टल एंड गाइज ये आपका 25 शेड्स का, जो कि आप स्टूडेंट हो तो आप खरीद सकते हो। तो चलिए गाइज अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइज मैं आपको दिखाता हूँ अपने कुछ बहुत ज़्यादा चुनिंदा ऑयल पेस्टल के ड्राइंग्स। तो गाइज ये आप देख सकते हो कि ये है मेरा जो कि रिसेंटली मैंने अभी बनाया था एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो रियलिस्टिक वाटर ड्रॉप्स। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी ऑयल पेस्टल से बना हुआ है और एंड गाइज यहाँ पर ब्लेंडिंग भी आप देख सकते हो कितना स्मूथ हुआ है। एंड गाइज ये अभी रिसेंटली मैंने बनाया था दिवाली के लिए। तो गाइज यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इजी वे में मैंने बताया था ऑयल पेस्टल से। और गाइज़ ये भी आप देख सकते हो फॉरेस्ट का सीनरी बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि है मैंने यहाँ पर स्टिपलिंग मेथड यूज़ किया हूँ और गाइज़ बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हुआ था। गाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है ऐसे ऐसे ड्राइंग्स बनाने में ऑयल पेस्टल का खासकर। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी है आपका ऑयल पेस्टल से मैंने बनाया था। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कॉटन क्लोथ्स थी और गाइज़ यहाँ पर मैंने ओवर लेयरिंग कर रखा है। तो आप देख सकते हो वाइट का ओवर लेयरिंग है यहाँ पर। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हाउस बनाया है। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्टिपलिंग मेथड यूज़ किया हूँ और गाइज़ यहाँ पर जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रैच्ड है। तो गाइज़ ये स्क्रैचर से मैंने हेल्प लेकर स्क्रैच किया हूँ। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपका, अगर आपको आता है स्क्रैचर को यूज़ करना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपका। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि है रियलिस्टिक वुमेंस का मैंने बनाया था ऑयल पेस्टल से, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था। तो गाइज़ 2 आवर्स तो लग ही जाते हैं ऐसे ऐसे ड्राइंग्स को बनाने में। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो ऑरोरा नाइट सीन का ड्राइंग है जो कि मैंने ओवर लेयरिंग भी किया हूँ। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ड्रीम सीनरी है जो कि मैंने इसमें भी ओवर लेयरिंग वाइट से किया हूँ। इन्हीं टाइप के ड्राइंग की वजह से ब्लैक एंड वाइट बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिसएडवांटेज है वो डोम्स के ऑयल पेस्टल में। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रियलिस्टिक थोड़ा आई बनाने की कोशिश किया हूँ। और गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर फॉल का ड्राइंग। तो गाइज़ यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये आपका वाइटनर से है। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये है मेरा पास कैमल का वाइटनर। तो गाइज़ इसमें आपका बहुत इजीली आपका ओवर लेयरिंग भी हो जाता है, आपका ओवर ऊपर से कलर आप कर सकते हो। एंड गाइज़ यहाँ पर वाइटनर का यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका स्टिल लाइफ का। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्टर डे का शायद ड्राइंग है या फिर हेल्थ डे का ड्राइंग है। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो आपका विलेज सीनरी। तो गाइज़ ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो गाइज़ लग जाता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रियलिस्टिक ड्रॉप्स बनाने की कोशिश किया हूँ। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा स्क्रैच से मैं ड्राइंग किया हूँ, पहले लाइट एंड फिर डार्क कलर को यूज़ करके मैंने इसे ड्राइंग किया हूँ। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फ्लावर का ड्राइंग किया। एंड गाइज़ यहाँ पर फिश का ड्राइंग किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो है कलर मैं थोड़ा सा स्क्रैच करके मैंने वाइट कलर को भरा हूँ वहाँ पर फील किया हूँ। एंड यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईजी से ईजीली आप यहाँ पर इफ़ेक्टिव तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो अगर आप स्क्रैच करके ओवर लेयरिंग करते हो। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि आप ब्लैक जो है मैं वो 10B पेंसिल से यूज़ करके ब्लैक कलर को करता हूँ। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने कैमल का बाई किया हूँ 10B या फिर 8B आपका जो भी है वो। तो गाइज़ 6B से सारा ग्रेड जो है पेंसिल का बहुत हाई होता है और गाइज इससे बहुत ज़्यादा डार्क रिजल्ट निकलता है। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो ये एकदम रिसेंटली मैंने ये ड्रॉ किया हूँ दिवाली के लिए, आप बहुत ज़्यादा इजीली आप देख के बना सकते हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। और गाइज़ ये है हमारा जो कि कैंडल ड्राइंग जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने गांधी जी ड्रॉ किया हूँ। तो गाइज़ रियलिस्टिक आपका थोड़ा मुश्किल होता है ऑयल पेस्टल से ड्रॉ करना। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फ्लावर का ड्रॉ किया हूँ। एंड गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्लाउड्स बनाया है जो कि है मूनलाइट पे। एंड गाइज़ ये एट लास्ट, तो गाइज़ ये आप देख सकते हो आपका ब्लैक एंड येलो डार्क टू लाइट मैंने ये शेड किया हूँ। और गाइज़ ये इसका भी मैं टिशू पेपर से मैं सारा का सारा ड्राइंग जो है आपको ब्लेंडिंग मैंने टिशू पेपर से किया हूँ। तो गाइज़ ये रहा कुछ जो कि मैंने ड्राइंग बनाया है जो कि
अपना डोम्स के ऑयल पेस्टल से मैंने ड्रॉ किया हूँ। तो गाइज ये था कुछ ऑयल पेस्टल का ड्राइंग्स और गाइज रिव्यूज़ का। सो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बता देना। और गाइज Q&A का वीडियो भी आने वाला है, उसके लिए आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो कम्युनिटी टैब में, उसका पोस्ट है गाइज, उसके नीचे आप अपना कमेंट करो जो भी गाइज क्वेश्चन है आपको मेरे और या फिर मेरे आर्ट रिलेटेड, तो गाइज वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो गाइज। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and